हम सब इस बात पर एग्री करते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स अब तक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शो है, और ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि अपने ब्रिलियंट कैरेक्टर्स, ग्रेट स्टोरी टेलिंग और अमेजिंग वीएफएक्स की वजह से फैंस के लिए एक इमोशन बन चुका है। ये सीरीज और इसमें दिखाया गया नेक्स्ट लेवल फैंटेसी वर्ल्ड हर एक मूवी फैन के दिल के सबसे करीब है, और आज मैं ड्रैगन्स और व्हाइट वॉकर्स की इसी दुनिया में वापस ले जाने वाला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स इन हिंदी एंड इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से आज की ये ड्रैगन राइड हम शुरू करते हैं। नंबर 5 पर गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद सबसे पॉपुलर और उसके सबसे ज्यादा सिमिलर नजर आने वाली फैन फेवरेट हिस्टोरिकल सीरीज वाइकिंग्स का स्पिन ऑफ है वाइकिंग्स वेलहाला, जो कि हमें हमारे फेवरेट वाइकिंग यूनिवर्स में वापस लेकर जाती है। ये सीरीज वाइकिंग्स के 100 साल बाद के इवेंट्स दिखाती है, जहां कुछ नए फ्यूरियस वॉरियर रैग्नार की तरह अपनी नई डेस्टिनी लिखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज अपने प्रेडिसेसर वाइकिंग्स के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग तरह से प्रेजेंट की गई है, और इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, तो वाइकिंग फैंस इस सीरीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग के साथ साथ बढ़िया एक्शन और स्वॉर्ड प्ले इस सीरीज में मिलता है, तो अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल के एक्शन सीन्स को मिस कर रहे हैं तो वाइकिंग्स वेलहाला को चांस जरूर दीजिए। फरवरी 2022 में इस सीरीज का पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जिसमें एवरेज 1 आवर के 8 एपिसोड्स हैं, और नेटफ्लिक्स पर यह हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फैंटेसी वर्ल्ड में सेट एक एक्सीलेंट स्टोरी का प्रीक्वल है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर, जो जीओटी की ही तरह एक वर्ल्ड फेमस फैंटेसी नॉवल सीरीज से अपने कहानी और कैरेक्टर्स उठाती है। इस मोस्ट अवेटेड एंड फेमस सीरीज के पहले सीजन को ही बनाने में अमेजोन स्टूडियोज ने $1 बिलियन खर्च कर दिए हैं, और इससे यह आज तक बनी सबसे एक्सपेंसिव वेब सीरीज बन चुकी है। ये सीरीज हमें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द हॉबिट सीरीज के हजारों साल पहले की अमेजिंग कहानी बताती है। बस अपने सोर्स मटेरियल से ज्यादा फेथफुल न रहकर इसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स के हार्ड कोर को थोड़ा सा निराश किया है। जीओटी की तरह एकदम ओवरवेलमिंग फैंटेसी वर्ल्ड और कैरेक्टर्स इस सीरीज में मिलते हैं, और भाई इसका वीएफएक्स तो जीओटी से भी एक लेवल ऊपर है। तो ब्रिलियंट एक्शन एंड कैरेक्टर्स, ओवरवेलमिंग फैंटेसी एलिमेंट्स और वीएफएक्स का टॉप लेवल फील करने के लिए इस अमेजिंग शो को ट्राई करना तो बनता है। Amazon प्राइम वीडियो पर यह हिंदी, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 3 पर जीओटी की ही तरह वॉयलेंट एक्शन और इरोटिक विजुअल से भरपूर हिस्टोरिकल सीरीज है स्पार्टिकस, जो हमें फेमस ग्लेडिएटर स्पार्टिकस की कहानी दिखाती है। भाई अपना बदला पूरा करने के लिए ये ग्लैडिएटर रोमन एम्पायर के खिलाफ एक वॉयलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत करता है। दोस्तों, इस सीरीज का बजट गेम ऑफ थ्रोन्स से काफी कम था, इसीलिए इसके एक्शन विजुअल्स जो हैं वो थोड़े से चीप नजर आ सकते हैं, उसके अलावा इसमें कोई भी कमी नहीं है। जीओटी जैसे फैंटेसी एलिमेंट्स तो नहीं, लेकिन ब्रिलियंट वॉर से लेकर थ्रिलिंग ड्यूअल एक्शन तक सब कुछ इस सीरीज में मिल जाएगा, वो भी हिस्टोरिकल सेटिंग के साथ। तो वॉयलेंट एक्शन के साथ इंटरेस्टिंग रोमांस का तड़का एंजॉय करने के लिए ये सीरीज जरूर ट्राई कीजिए। Amazon प्राइम वीडियो पर ये इंग्लिश में अवेलेबल है। लायंस गेट प्ले के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन के साथ आप वहीं से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर एक ऐसी सीरीज है जो फर्स्ट लुक में बिल्कुल भी गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी नहीं लगती है, पर थीम और एक्सीलेंस जैसे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में ये जीओटी के काफी सिमिलर है। HBO ओरिजिनल ये सटायरिकल कॉमेडी सीरीज सक्सेशन अपने टाइटल से ही गेम ऑफ थ्रोन्स का सिनोनिम नजर आती है, जिसमें थ्रोन को लेकर नहीं सीईओ की पोजीशन को लेकर वॉर होती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी चलाने वाली रॉय फैमिली में सीईओ की पोजीशन को लेकर सॉफ्ट वॉर होती है, मच लाइक द आयरन थ्रोन इन गेम ऑफ थ्रोन्स। वैसे तो इस सीरीज में कोई भी फैंटेसी या हिस्टोरिकल एलिमेंट नहीं है, पर इस सीरीज की जो थीम है वो जीओटी से काफी मिलती है, और अगर आप आयरन थ्रोन के लिए होने वाली पॉलिटिक्स के फैन है तो फिर सक्सेशन आपकी नई फेवरेट सीरीज हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग तो इस सीरीज में कोई भी वीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरी से लेकर कैरेक्टर्स तक सब कुछ अमेजिंग है। इस एक्सीलेंट कॉमेडी ड्रामा शो के 3 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं, जिन्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर भाई वो सीरीज है जो हर एक जीओटी फैन की डिजायर रही है। एडवेंचरस ड्रैगन राइड के जरिए हमें हमारे फेवरेट फैंटेसी वर्ल्ड में वापस लेकर जाने वाली अमेजिंग सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये स्पिन ऑफ प्रीक्वल सीरीज गेम ऑफ थ्रोन से 200 इयर्स पहले के इवेंट्स हमें दिखाती है, जहां ड्रैगन हाउस कही जाने वाली टारगेरियन फैमिली की सक्सेशन वॉर्स दिखाई गई है। भाई अगर आपको लग रहा है कि इसमें गेम ऑफ थ्रोन जैसा क्या है, तो ड्रैगन्स के अलावा इसमें भी वही सेम ओल्ड क्वेश्चन सेंटर में है कि आयरन थ्रोन पर कौन बैठेगा। इस अमेजिंग शो में कोई भी वीक पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल है, और गेम ऑफ थ्रोन्स का परफेक्ट सक्सेसर इसे कहा जा सकता है। जीओटी जैसी कनिंग पॉलिटिक्स, धमाकेदार एक्शन सीन्स एंड ब्रिलियंट स्टोरीज में मिल जाएगी, और भाई इसका ड्रैगन वाला पार्ट तो जीओटी को भी पीछे छोड़ देता है। अगस्त 2022 में इसका फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ है, और ये एवरेज 1 आवर के 10 एपिसोड्स के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा टॉप क्वालिटी कंटेंट आप तक हमेशा पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको तो ये चैनल सब्सक्राइब करना है और क्वालिटी कंटेंट एंजॉय करना है।
गेम ऑफ थ्रोन्स की ही तरह वर्ल्ड की सबसे फेमस मूवीज और वेब सीरीज की सिमिलर एंटरटेनर्स की एक वीडियो सीरीज हमने आपके लिए बनाई है। राइट में शो हो रही प्लेलिस्ट में वो सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करके अप्रिशिएट जरूर करना। तो बस आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।